짜잔. 권해. 짜잔. चचा जान, बस एक बार बात तो सुन लो। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, और यकीन मानो इसके लिए कोई भी सजा कम है। पर अल्लाह के वास्ते मुझे एक मौका तो दे दो। मौका? आखिर चाहते क्या हो? सिर्फ आप ही मुझे बचा सकते हो चचा जान इस तबाही से। आपकी बेटी से दस्तखत दिला दो इस माफीनामे पे, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। बाकी सब क्या बचा है हमारे लिए? घर जाओ। चचा जान, मैं अकेला नहीं था उस वक्त, लेकिन अभी अकेले ही बिगड़ी बनाने की कोशिश में हूं। बस एक आखिरी मौका तो दे दो। इंशाल्लाह शायद कुछ बचा सकूं। लड़की आ रही है इस तरफ, जल्दी पकड़ लेते हैं। अरे यार रुको, चल चल चल, ये छोड़ पहचान छोड़ देते। चले, कम चले, भाग लेते हैं। अरे अरे यार, फंस जाएंगे यार, छोड़ो। بطور قرآن شریف اس ناپاک جرم سے تم نے پوری قوم کو شرمندہ کیا ہے، کیا تمہیں گناہ قبول ہے؟ اب ایسے حالات میں رحمت پور کے رواجوں کے مطابق مظلوم ہی ملزم کی سزا طے کر سکتی ہے، پر یہ بچی ابھی تک تو ہاسپٹل میں موت سے جونج رہی ہے، اس لیے تمام صلاح مشوروں کے بعد یہ جماعت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دل نواز شیخ کو اسما پروین سے نکاح کرنا ہوگا، مہر 1 لاکھ رقم کے ساتھ۔ حضور معاف کرو، میں اپنے گناہ قبول کرتا ہوں، پر میں اس حرکت کا حصہ نہیں تھا۔ میں تو بس غلط وقت پہ غلط لوگوں کے ساتھ تھا، یہ سب اتنی اچانک۔ پر میں اس سے نکاح کیسے؟ یہ تو بالکل۔ تو پھر تیار ہو جاؤ قوم سے بے دخل ہونے کے لیے۔ تمہارا دکان، پانی، بجلی کا کنیکشن، یار دوست کچھ بھی نہیں رہے گا، یہ ہوگی تمہاری سزا۔ رحم حضور رحم، سالوں لگے مجھے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے میں۔ یہ گھر، یہ دکان اور ایمانداری کے 2 پیسے سب کچھ ختم ہو جائیں گے۔ اور ویسے بھی آسما بھی نابالغ ہے، اسے نکاح کرنا بھی تو قانوناً جرم ہوگا۔ یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے۔ جی کیا بولتے ہیں؟ باتوں میں دم تو ہے، خاموش۔ حالات کی نزاکت کو دیکھ کر ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دل نواز کو جرمانے کے طور پر 2 لاکھ کی رقم اور ایک معافی نامے پر اسما پروین کا دستخط لے کر اگلے مہینے کی پنچایت سے پہلے جمع کرنا پڑے گا۔ یہ جماعت یہی ملتوی ہوتی ہے۔ ये क्या कर रहा है? और भी कुछ करना बाकी रह गया क्या? सब कुछ बेच डालेंगे। बेच डालेगा मतलब? तूने कोई छोटी सी गलती नहीं की
जो इन पैसों से ढक सकेगा। जुर्म किया है, एक घटिया जुर्म। एक पल भी अल्लाह पाक का नहीं सोचा तूने? मेरे शहर वाले दोस्त अम्मी, मेरे शहर वाले दोस्त मुझे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल के भाग गए साले। उन्होंने उनकी औकात दिखाई, तेरे परवरिश में मैंने क्या कमी कर दी? अब हालत ही ऐसी अम्मी कि अगर मैं अल्लाह ताला की कसम खा के भी कहूँ कि मैंने कुछ नहीं किया, कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा अम्मी। अगर हम पैसे जुटा भी लेंगे, क्या आसमा तेरी माफीनामा कबूल करेगी? माफी तो इसलिए नहीं है अम्मी, दुनिया के लिए भी और खुद के लिए। यहां से एक घंटे का रास्ता है मिशनरी होम, जहां आसमा है। उस दो पल की हिमाकत से तुम लोगों को क्या हासिल हुआ ये तो नहीं मालूम, पर मेरी जीती जागती बच्ची कहीं खोस गई है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कभी बोल नहीं पाएगी और शायद कभी मां भी ना बन पाए। तुम तो सब कुछ संभालने वाले थे ना, लौटा सकोगे हमें ये सब कुछ? सहमे हुए से जज्बातों को ना समझा हमने, बेचैनी थी उन नजरों में देखा नहीं हम रुसवाईयार तन्हाईयां तेरी। दुनिया में जब से मैं आया मौलावे मौलावे क्यों इश्क है बेजुबान, मौलावे नादान था मैं आसमां, जो समझ ना पाया तुम्हारी हया में छिपी जज्बात को। अंधा था शायद, जो देख के भी अनदेखा किया उन बेचैन आंखों को। और शायद बहरा भी था, जो सुन ना पाया उन धड़कनों को जो सिर्फ मेरे लिए धड़कती थी। और बदले में मैंने तुम्हें दिया तो सिर्फ रुसवाई। ऐसी हालत में तुम उसे ना ही मिलो तो बेहतर है। लाओ मुझे दो, मैं कोशिश करता हूं। शुक्रिया चचा जान, मुझे दस्तखत नहीं चाहिए।
मैं और एक साल इंतजार करूंगा आसमा के बालिक होने का, आगे उसकी मर्जी। होश में तो हो? शायद पहली बार होश में आया हूं चाचा जान। तरस खा के उससे निकाह करोगे? एक गलती सुधरने के लिए दूसरी गलती मत करो। दिल से अपनाना चाहता हूं उसे। आसमा, अब कैसी हो? तुम्हें तो सब मालूम है ना, सिर्फ तुम्हें। मेरा यकीन मानो, मैंने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की थी। क्या हम एक बार फिर से पहले जैसा? हमदर्दी जताने नहीं आया हूं आसमा, और ना ही अपनी बेगुनाही का गवाह ढूंढने। बस आसमा, माफी के हकदार तो मैं हूं नहीं, और ना ही तुम्हें सहारा देने के लायक। फिर भी साथ देना चाहता तुम्हारा, क्या तुम? तेरा लाख लाख शुक्र है। कुछ भी